जब हम फ्लिपिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन सा रहता है, फ्लिपिंग किस तरह से स्टार्ट करें, कौन से फ्लिप को पहले प्रैक्टिस करें और इन फ्लिप को सीखने में कितना टाइम लग जाएगा। तो कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और सीखते हैं बहुत ही ईजी तरीके से सिक्स फ्लिप। ईजी तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, इन फ्लिप को सीखने में इंजरी के चांसेस ना के बराबर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट फ्लिप है बटरफ्लाई किक। सो गाइज, सबसे पहले आपने बेसिक ड्रिल प्रैक्टिस करना है जिसमें पैरों का मूवमेंट एंड हाथों से स्विंग किस तरह से लेना है उसको ध्यान में रखना है। इस तरह से राइट लेग एंड लेफ्ट लेग में जंप एंड राइट लेग से स्विंग, इस तरह से आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है हाथों का स्विंग। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जंप करके आपने राइट लेग से स्विंग को इंक्रीज करना है। मूवमेंट का पता चलने के बाद राइट लेग से पूरा हाइट में स्विंग लें और लेफ्ट लेग से जंप करके बटरफ्लाई किक को कंप्लीट करें। ओके गाइस, सेकंड जो फ्लिप है वो है सीट गेनर। तो ध्यान से देखें, सो गाइस सबसे पहले आपने फुट मूवमेंट को ध्यान में रखना है और यहाँ पर जे स्टेप को प्रैक्टिस करना है। जे स्टेप से आपने स्विंग लेना है। सबसे पहले देखें ध्यान से, यहाँ पर राइट लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पर आपने स्विंग को इम्प्रूव करना है धीरे धीरे। थोड़ा सा जंप लेना है लेफ्ट पैर से और राइट लेग से स्विंग को इम्प्रूव करना है। जंप इम्प्रूव होने के बाद राइट लेग को पूरा स्विंग से फेंकें और लेफ्ट लेग से पूरा जंप लें। हाथों की स्विंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। जो थर्ड फ्लिप है गुम्बी, ध्यान से देखिए एक बार। सो गाइस, गुम्बी सीखते वक्त आप सबसे पहले हाथों का मूवमेंट ध्यान में रखें। राइट लेग को देखें किस तरह से अंदर लेके आ रहा हूँ मैं और लेफ्ट लेग को किस तरह से उठा रहा हूँ ऊपर की तरफ। हाथों का स्विंग अंदर की तरफ, राइट लेग में होप एंड लेफ्ट लेग से स्विंग, इस तरह से लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं और स्विंग लें। धीरे धीरे बॉडी का आर्क बनाएं बाहर की तरफ, अपने राइट साइड की तरफ थोड़ा सा आर्क बनाएं और गुम्बी को कंप्लीट करें। गाइस बढ़ते हैं फोर्थ फ्लिप की तरफ। सो गाइस, फोर्थ फ्लिप है रेस। रेस को देखें ध्यान से, देखें रेडी अप। सो गाइस, रेस का भी जो बेसिक मूवमेंट है गुम्बे की तरह है, फुट मूवमेंट एंड हैंड स्विंग। सिर्फ यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ पर हम जंप करके बिना हाथ को टच करे दूसरी तरफ मूव करते हैं रेज में, वहीं गुम्बी को हम हाथों की मदद से कंप्लीट करते हैं। तो ध्यान से देखें, राइट लेग में हो आपने होप लेना है, राइट लेग से पूरा जंप और लेफ्ट लेग का स्विंग कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें एक बार, ये मूवमेंट का पता चलने के बाद पूरा स्विंग ले हाथों से, राइट लेग से जंप एंड लेफ्ट लेग से स्विंग को कंप्लीट करें। सो गाइस, ये था रेस। मूविंग टू फिफ्थ फ्लिप। फिफ्थ फ्लिप है हैंड स्प्रिंग। तो देखिए ध्यान से, इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो हैंड स्प्रिंग, वन ओके सिंगल हैंड स्प्रिंग और डबल हैंड स्प्रिंग भी कर सकते हैं आप। ओके, सबसे पहले आपने होप और किक प्रैक्टिस करना है दिखाए गए तरीके से। ध्यान से देखें, राइट लेग से किक करना है और जमीन को टच करने की कोशिश करना है। धीरे धीरे हाथ में वेट लेने की कोशिश करें और शोल्डर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें ताकि आपको हैंड स्प्रिंग पुश करने में मदद मिले। इस तरह से किक करके हैंड स्टैंड प्रैक्टिस करना है आपने और धीरे धीरे हाथ से पुश करके हैंड स्प्रिंग को इस तरह से बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं। हाथ से पुश करना है और दोनों पैरों में लैंडिंग करने की कोशिश करना है। इसको आप हाइट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार शोल्डर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होने के बाद दोनों हाथों से पुश करना है एंड दोनों पैरों में लैंड करने की कोशिश करना है। चेस्ट को पूरा निकालें बाहर और फुल हैंड स्प्रिंग कंप्लीट करें। सो गाइस, मूविंग इनटू लास्ट फ्लिप। लास्ट फ्लिप है मकाको। ये बैक हैंड स्प्रिंग और बैक फ्लिप का बेसिक है। इसको आप जरूर सीखें, इसको पहले नंबर में भी सीख सकते हैं आप। तो ध्यान से देखें। सबसे पहले हाथ में वेट लेना है और लेफ्ट लेग की स्विंग को इम्प्रूव करना है। ध्यान से देखें, राइट लेग से पुश करना है ऊपर की तरफ एंड लेफ्ट लेग से स्विंग लेना है। धीरे धीरे बॉडी का थोड़ा सा आर्क को इम्प्रूव करें और लेफ्ट हैंड से स्विंग लेकर प्रैक्टिस करें। स्विंग इम्प्रूव होने के बाद दोनों पैरों में लैंडिंग करने की कोशिश करें। लेफ्ट हैंड को ऊपर से स्विंग लें और दोनों हाथों से स्विंग करने की कोशिश करें।
कॉन्फिडेंस होने के बाद खड़े होकर वन स्टेप बैक एंड मकाको को कंप्लीट करें। सो गाइस ये था फाइनल फ्लिप, काफ़ी अच्छा है, आप सीख सकते हैं। और इन फ्लिप को सीखते वक्त आपको इंजरी के चांसेस ना के बराबर हैं, काफ़ी इजी फ्लिप्स हैं और इनके बाद आप एडवांस फ्लिप को सीख सकते हैं। अगर इसी तरह से वीडियो आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं गाइस, लिंक दे रहा हूँ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको इजीली रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।